किसी भी प्रकार से किसी भी महिला के बारे में हल्का शब्द का प्रयोग करना ये मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए भाई कई सरपंच ना उन्होंने आज उच्चारण दिखा दिया कि भाई माना फीलिंग भी आ जाएगी, भाई माना को देखना आ रहा है, माने को सुनना आ रहा। और खासकर महिलाओं का सम्मान करना हमारे सनातन धर्म में भी और हमारे देश में भी परंपरा है। किसी भी प्रकार से किसी भी महिला के बारे में हल्का शब्द का प्रयोग करना ये मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए सब भाई कई सरपंच ना उन्होंने आज उच्चारण दिखा दिया कि भाई माना फीलिंग भी आ जाएगी, भाई माना को देखना आ रहा है, माने को सुनना आ रहा। पार्टी के एक विधायक है सतपाल जांबा, उनका हाल में एक बयान आया था सोशल मीडिया को लेकर। पार्टी कितना उससे ताल्लुक रखती है उस बयान को लेकर, और आपका क्या मानना है उसको लेकर? जिस प्रकार से जिस वो बयान मैंने भी उसका देखा था, और एक जनप्रतिनिधि हमने उनको सलाह भी दी है, और उनसे जो हल्की बयानबाजी हुई इससे बचना चाहिए, यही हमारा सुझाव है। एक है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आजकल जो पत्रकार है इन पे भी अंकुश लगाया जाए, इनके लिए भी कोई गाइडलाइन बनाया जाए। ये इतने ब्लैकमेलर बन चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी पैसे मांगते हैं, ना उनका कोई क्राइटेरिया है, ना उनकी कोई गाइडलाइन है। एक जनप्रतिनिधि हमने उनको सलाह भी दी है, और उनसे जो हल्की बयानबाजी हुई इससे बचना चाहिए, यही हमारा सुझाव है। की पार्टी के एक विधायक है सतपाल जांबा, उनका हाल में एक बयान आया था सोशल मीडिया को लेकर। पार्टी कितना उससे ताल्लुक रखती है उस बयान को लेकर, और आपका क्या मानना है उसको लेकर? जिस प्रकार से जिस वो बयान मैंने भी उसका देखा था, और एक जनप्रतिनिधि हमने उनको सलाह भी दी है, और उनसे जो हल्की बयानबाजी हुई इससे बचना चाहिए, यही हमारा सुझाव है। भाजपा उसका समर्थन तो नहीं करती सर? भाजपा तो उसका समर्थन नहीं करती उनके बयान। मैंने आपको जो बात कही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है देश में, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई पंचायत का मेंबर भी है, वो भी सभी का सम्मान करे, और खासकर महिलाओं का सम्मान करना हमारे सनातन धर्म में भी और हमारे देश में भी परंपरा है। किसी भी प्रकार से किसी भी महिला के बारे में हल्का शब्द का प्रयोग करना ये मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए सब